क्या कर रहे थे आप? कॉल कर रहे थे किसी को? लो मेरे फोन से कर लो। मैं टीचर को कॉल कर रहा था। रोहन देखो ऐसे गलत बात है, नहीं हम टीचर को ऐसे कभी भी कॉल नहीं कर सकते, वो बिजी हो सकती है ना अपने स्कूल के काम में, या फिर क्या पता ट्यूशन पढ़ा रही हो या अपने खेत के काम में बिजी हो। आप ही बोलते हो ना बहुत बिजी रहती हूँ। हाँ मैम बात तो सही, टीचर बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में भी और गांव वाले कामों में भी। बहुत सारी गांव वाले उनसे आके कुछ कुछ पूछते हैं, पर मैं उनसे कब बात करूँ, वो तो बहुत बिजी रहती हैं। ये बात तो सही है, बिजी तो बहुत रहती हैं। एक काम करते हैं, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? उन्हें कहती हूँ कि देखो रोहन को आपसे बात करनी है, तो हमें बता दे कि वो कब फ्री होंगी, ठीक है? तो फिर जब वो मुझे मैसेज करेंगी और अपना टाइम बताएंगी तो मैं आपकी बात करा दूंगी, ठीक है? पारो ये सिमी आंटी को देखा? अरे पारो ध्यान से, खाना गिर जाएगा। शालू तुझे पारो में कोई बदलाव नहीं लग रहा? कुछ अलग नहीं लग रही है वो? पारो में बदलाव नहीं तो कोई बात है क्या? हाँ बात तो है, मुझे समझ में आ गया कि क्या बात। हाँ जो इसलिए मैंने एक फैसला लिया। फैसला? पारो के बदलाव की वजह से फैसला? ये तो बता फैसला क्या लिया है? मैंने ये फैसला लिया है कि हम शहर जा रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है? माशाल्लाह हम शहर जा रहे हैं। दीप हमने अभी अभी तो बात की और हम यही फैसले पे आए हैं ना कि हम शहर नहीं जा रहे। तू क्यों जाना चाहती है ऐसे शहर में जहाँ सिर्फ तुझे दुख ही मिलने वाला है, दर्द के सिवाय और कुछ मिलने ही नहीं वाले वहाँ पर। पारो को तो वहाँ खुशी मिलेगी ना शालू, उस शहर में पारो का भविष्य, उसके लिए एक बेहतर जिंदगी है। पारो के सपने, उसकी खुशियां हैं उस शहर में। तूने देखा नहीं पारो कैसी बुझ गई है जब से उसे पता चला है कि हम शहर नहीं जा रहे? दी ऐसा कुछ नहीं है, पारो ने खुद बोला है ना कि उसको शहर नहीं जाना है, तो फिर तो क्यों? मुझे पता है उसने बोला है, लेकिन उसने अपने मन से नहीं बोला है, उसने मेरे लिए बोला है। शालू पारो ने हमारी बातें सुन ली थी, उसने ये सुन लिया था कि अगर हम शहर जाएंगे तो मुझे दुख मिलेगा। पर मॉम मुझे उनसे बात करनी है। मैं जानती हूँ रोहन आपको बात करनी है, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? आप नंबर ले लो। रोहन नंबर है शायद मेरे पास उनका, डोंट वरी। अब रोहन क्या पेंट कर रहे थे आप? ये मैं भी पेंट करूँ वरना हम लोग बोर हो जाएंगे, है ना? हाँ। चलो साथ में पेंट करते हैं। ये। हाँ, ये लो। शायद अनुष्का सही कह रही है, एक तरफ टीचर पारो और ऋषि का लगाव बढ़वा रही है और दूसरी तरफ वो खुद रोहन को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब उसकी नज़र शायद ऋषि पर है। नो नो वे, रोहन मेरा बेटा है और ऋषि मेरा पति है और इन दोनों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना वो लक्ष्मी छीन पाई और ना ये लक्ष्मी छीन पाएगी।